बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू और मेथी, जिसके लिए अंदर बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें डलती हैं, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है और कम टाइम में भी बनती है। आधे घंटे से पहले आपकी ये भुजिया तैयार हो जाती है, क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, मेथी जिस्म के दर्द को भी फ़ायदा देती है और जोड़ों के दर्द को भी बहुत फ़ायदा देती है। इसको बच्चे और बूढ़े दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए हमने सोचा आज हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले आधा किलो आलू लेके इनको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये क्योंकि नए आलू हैं, इसलिए छीलने के बाद भी ये काले दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा छिलका है, जबकि ऐसा नहीं है। आधा किलो ही मेथी हमने ली है, इसको लेके हमने काट लिया है, इसको लेके हमने काट लिया है और इसको डलिया में रख दिया है, ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से खुशक हो सके। 5 से 6 हमने घर की सूखी लाल मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच। 1 चम्मच जीरा हमने लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें लेके इनको मोटा मोटा हमने काट लिया है। 5 से 6 लहसुन लेके इनको भगार के स्टाइल में हमने काट लिया है। 1 चम्मच नमक हमने लिया है। आए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप चीज़ें नोट कर लीजिए। एक पतीली में तेल लेके हमने इसको जला लिया है। हम क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसको जला के इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ गर्म कर लीजिए। तेल हमने 1 पाव लिया है और हमने इसे गर्म कर लीजिए किया है। अब हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। लहसुन के ब्राउन होने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे, को हिलाएंगे जब तक, ताकि लहसुन हमारा ब्राउन होने लगे। अब हम जीरा डालेंगे इसमें। घर की लाल मिर्चें भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से लहसुन हमारा ब्राउन होने जाएगा, जब तक हम इसके अंदर और चीज़ें भी शामिल करेंगे। ऐसा ऐसा हम आपको बताते जाएंगे। ये भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बगैर खटास के भी इसके अंदर इतना ज़्यादा जायका होता है कि अगर एक बार आप खाना शुरू करें तो आपका दिल नहीं भरता। ये आलू और मेथी की भुजिया बहुत कम चीज़ों से बहुत कम टाइम के अंदर पक जाती है। 10 मिनट से 20 मिनट तक आप इसको पका लें तो ये पक के चुक जाती है आधे घंटे से भी पहले। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। नमक भी डाल देंगे हम इसके अंदर। अब हरी मिर्चें डालेंगे। आलू को इस तरीके से तेल के अंदर 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर मेथी डालेंगे। लहसुन और मिर्चें हमारी हो चुकी हैं तेल में थोड़ी सी फ्राई। अब आलू करेंगे, उसके बाद मेथी डालेंगे। मेथी डाल दी है हमने इसके अंदर, मेथी भी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब इसका ढक्कन ढक देंगे 5 मिनट तक 10 मिनट तक। इसका हम थोड़ा सा तेज़ चूल्हा रखेंगे, थोड़ा सा तेज़ यानी कि आधे से आधा चूल्हा रखेंगे, और उसके बाद इसको दम पे लगा देंगे। इसी तरीके से मेथी के पानी में हमारे आलू गलेंगे, पानी हम इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। 4 मिनट हो चुके हैं मेथी को हमारे पकते हुए। कलर देखें आप इसका, कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है, क्योंकि हरी सब्जियों का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और ढक्कन हम इसका फिर से ढक देंगे 10 मिनट तक के लिए। अभी इसको सिर्फ 4 मिनट हुए हैं, ताकि हमारे आलू अच्छे तरीके से गल सकें। हम सिर्फ आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसका सब्जियों खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो कीमा डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं आप मेथी के अंदर, लेकिन अगर आलू डाल देंगे आप तो बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, आसान होती है इसको बनाना। इसके अंदर कम चीज़ें कितनी डलती हैं आपने देख ही लिया। अब हम इसे 10 मिनट बाद आके देखेंगे, आलू इसके चेक करेंगे। चूल्हा इसका बिल्कुल हम दम पे रख देंगे। चूल्हा पहले हमने इसका तेज़ किया हुआ था, लेकिन अब हम इसका चूल्हा बिल्कुल कम कर देंगे।
बिल्कुल। अब हम इसे दम पे करके पकाएंगे। दम पे 10 मिनट तक रखेंगे तो आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे और मेथी तो गल ही जाती है भाप में। देखिए मेथी ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, लेकिन आलू अभी तक हमारे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करने के लिए आ गए हैं। आलू हमारे जल्दी हो जाएंगे, अभी हम इन्हें चेक करते हैं। अगर हो गए तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट और दम पे लगा देंगे, क्योंकि नए आलू हैं तो फौरन भी गल जाते हैं नए आलू कभी कभार, और देर भी लगाते हैं कभी कभार गलने में। एक आलू तो गल चुका है। आलू हमारे गल तो चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर कसर बाकी है, इसलिए हम इसे सिर्फ 5 मिनट तक और दम पे लगाएंगे। 5 मिनट तक के लिए इसको फिर से ढक देंगे, उसके बाद तकरीबन हमारी भुजिया तैयार हो जाएगी। भुजिया हमारी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तेल इसके अंदर निकल आया है, पानी की इसके अंदर अब एक बूंद भी नहीं है। अब हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाएंगे कि ये कैसी लग रही है। उससे पहले हम आपको चला के दिखा देते हैं कि इसके अंदर अब तेल बाकी है। लाल हरी मिर्च आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी अच्छी है खुशबू, इस भुजिया की बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी आलू मेथी की भुजिया, बिल्कुल सादी है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर डलता नहीं है, खटास भी इसके अंदर डलती नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब आप हमें ये बताएं कि हमने इसे बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती को ताई और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं। इससे कि हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए और भी अच्छी और डिलीशियस रेसिपी बता सकेंगे। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।